एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट और एक म्यूटेंट वायरस जो दिन ब दिन फैलता जा रहा है, और इस वायरस ने धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। यहाँ पर एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा है। स्वागत है गाइस आप लोग का टेकाड्रॉन पर, और आज हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एक ऐसे शहर में जो पूरा जॉम्बी वायरस की चपेट में आ चुका है। हमने आर्मी ज्वाइन कर ली है और हमारा सबसे बड़ा गोल ये है कि किसी भी तरह से इस वायरस को इस सिटी के अंदर कंटेन रखें और इसे पूरे वर्ल्ड में फैलने से बचाएं। और वो करने के लिए हमें दो बड़े काम करने होंगे। हमें सबसे पहले ये बड़ा सा मिलिट्री बेस ढूंढना होगा जिससे लास्ट टाइम हमें कॉन्टैक्ट किया गया था, क्योंकि इस मिलिट्री बेस पर है बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन और बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट वेपन्स जिसकी मदद से हम लोग इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। और फाइनली हमें जॉम्बीज के किंग को, यानी कि जिसे रैट किंग भी बोलते हैं, उसे फटाफट से मारना होगा, क्योंकि उसी का ब्रेन सारे के सारे जॉम्बीज को कंट्रोल करता है। अगर हमने एक बार उसे मार दिया तो सारे के सारे जॉम्बीज खत्म हो जाएंगे और ये सारा का सारा वायरस भी खत्म हो जाएगा। डे वन शुरू हो चुका था और मैं मिलिट्री बेस ढूंढने निकल चुका था। ये वही मिलिट्री बेस है जिससे हमें लास्ट बार हमारा कांटेक्ट हुआ था। हमें किसी भी तरह इस मिलिट्री बेस को ढूंढना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गन्स और बहुत सारी इंपॉर्टेंट लूट है। जैसे हमें ये मिलिट्री बेस मिलेगा, हम शहर के अंदर जा सकते हैं, जिस सिटी के अंदर वायरस फैला हुआ है वहाँ पर फंसे हुए लोगों को जाकर उनकी जान बचा सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमारा मेन गोल है मिलिट्री बेस ढूंढना। मेरे पास लोकेशन उसकी GPS में थी तो मैं मिलिट्री बेस ढूंढने निकल पड़ा था। और हम एकदम नए बायोम के अंदर आ चुके थे, ऑल्टरनेट सैंड वाला बायोम है ये, काफ़ी खतरनाक बायोम है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ जॉम्बीज ही जॉम्बीज नज़र आ रहे हैं। और फाइनली गाइस मैं मिलिट्री बेस पर पहुंच चुका था, और मेरी लैंडिंग यहाँ पर थोड़ी सी वियर्ड हुई थी। मैंने प्लेन पूरा अंदर घुसा दिया था, प्लेन के अंदर घुस चुका हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं, ये मैं बाहर निकल गया। तो गाइज़ ये रही हमारी मिलिट्री बेस की लोकेशन, ये हमारा रनवे, काफ़ी बढ़िया हमारा मिलिट्री बेस, और यहाँ पर जॉम्बीज़ के कैरकास वगैरह पड़े हुए हैं, डेड बॉडीज़, और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मेरे पास मैंने थोड़ा सा आर्मर वगैरह पहना हुआ है, हम लोग एक सोल्जर हैं, और कुछ बेसिक लूट है लाइक मशेटी, कुछ खाना है, कुछ मेडिकल किट्स हैं, और कुछ हमारे पास पीने के लिए पानी है, और गाइज इसके अलावा और कुछ नहीं है। और यहाँ पर जॉम्बीज ऑलरेडी आने शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पर कुछ डेड बॉडीज़ वगैरह रखी हुई हैं जॉम्बीज की। तो गाइज हमें सबसे पहले पता करना था कि आखिर इस मिलिट्री कैंप के अंदर हुआ क्या था जिसकी वजह से हमारी आखिरी दो सोल्जर्स की जो है डेथ हो गई और वो यहाँ से बचकर नहीं निकल पाए। यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी कैमराज भी लगे हुए हैं, और जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा यहाँ पर डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। दो डेड बॉडीज थी, आई थिंक ये उन्हीं सोल्जर्स की डेड बॉडीज थी। मेरा प्लेन तो अटक चुका था, बट इसके पास रखे जब गाइज मैंने बैकपैक के अंदर जब मैंने लूट चेकआउट करी ना, तो मैं पूरा शॉक हो गया। गाइज यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी की सारी इन लोगों की लूट एकदम इंटैक्ट पड़ी हुई है। अब मतलब इनकी डेथ का कारण क्या है मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पर इतनी सारी मेडिकेट्स वगैरह भी रखी हुई हैं, वर्क बेंचेस हैं यहाँ पर, वर्क स्टेशंस हैं जहाँ से हम लोग गन्स वगैरह बना सकते हैं। जब मैंने दूसरा बैकपैक यहाँ पर आके चेक करा, इसके अंदर इतने सारे शॉटगन के शेल्स थे और पूरी शॉटगन रखी हुई थी। तो गाइस सबसे पहले तो मैंने फटाफट से यहाँ से शॉटगन ले ली, और इसके काफ़ी सारे शेल्स भी ले लिए, क्योंकि ये शॉटगन हमारी जान बचाने के लिए काफ़ी काम आने वाली थी। क्योंकि अगर हम अपनी मशेटी लेकर निकलते ना इस वर्ल्ड के अंदर, तो एक दिन भी हम लोग स्टैंड नहीं कर सकते थे। और शॉटगन काफ़ी बढ़िया काम करी थी, मैंने एक दो जॉम्बीज पर टेस्ट करा, काफ़ी अच्छे से काम कर रही थी हमारी शॉटगन। तो गाइज अब मुझे लग रहा है कि इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करने में मज़ा आने वाला है। बट हमारा मेन गोल हमें बिल्कुल नहीं भूलना है, हमें सिटी के अंदर जाना है और सर्वाइवर्स की तलाश करनी है। यहाँ पर गाइज मैंने देखा कुछ पासवर्ड प्रोटेक्टेड चेस्ट रखी हुई थी, जिनका पासवर्ड मुझे अभी तो बिल्कुल पता नहीं था, बट मैंने सर्च करना शुरू कर दिया आसपास सो दैट हमें कोई क्लू मिल जाए। तभी मेरे को यहाँ पर गाइज एक साइन बोर्ड दिखा जिस पर लिखा हुआ था, इफ़ एनीवन फाइंड्स अस देयर इज टन्स ऑफ लूट इन दीज चेस्ट, और उसका पासवर्ड बता रखा था गाइज, पासवर्ड है 123321। तो गाइज पासवर्ड का पता लगते ही मैंने फटाफट से पहली चेस्ट खोली, उसके अंदर पासवर्ड डाला, और गाइज जैसे मैंने पासवर्ड डाला मैं पूरा शॉक हो गया। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कितने कमाल की लूट है, M107 की मैगजीन्स है गाइज, ये बहुत ही पावरफुल गन है, इसका हेडशॉट का डैमेज बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बस हमें ये गन ढूंढनी है, और गन मेरे ख्याल से मैंने सबसे पहले वाले बैकपैक के अंदर देखी थी, और इतनी सारी इसकी मैगजीन्स, इतनी सारी एमओ है। अब गाइज और बड़ी मिस्ट्री बनती जा रही है, इन दोनों सोल्जर्स की डेथ आखिर हुई कैसे, इनके पास इतनी सारी गन्स हैं, इतना सारा एमओ पड़ा हुआ है, इतना सारा का सारा यहाँ पर सर्वाइवल का सामान है, फिर भी इन लोगों की डेथ पता नहीं कैसे हो गई। इसके बाद मैंने फटाफट सबसे पहले तो बड़े केयरफुली अपने प्लेन को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करी, और फाइनली मैं उसे अपने रनवे पर लेकर आ गया। और गाइस किसी तरह से मैंने प्लेन को सेफ एरिया में लगा दिया था, बट यहाँ पर जॉम्बीज की पूरी फौज आनी शुरू हो गई थी। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ से जॉम्बीज ने हमला करना शुरू कर दिया है, तो मैंने भी उन पर हमला करना शुरू कर दिया गाइस अपनी शॉटगन से। और ये जो हमारी मिलिट्री बेस के चारों तरफ फेंस थी ना गाइस, ये इलेक्ट्रीफाइड फेंस थी, जिसकी वजह से मेरे को काफी हेल्प मिल रही थी, क्योंकि जॉम्बीज से टकराने पर मरते जा रहे थे। तो गाइस काफी ज्यादा सेफ महसूस हो रहा था मुझे, बट मेरे को कोई आइडिया
नहीं आगे क्या होने वाला है, कितने ज़ॉम्बीज स्पॉन होने वाले हैं और हम लोग जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। जब मैंने मिलिट्री बेस की छत पर आकर देखा तो गाइस पीछे की तरफ एक काफी बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही थी मुझे, किसी हॉस्पिटल जैसा लग रहा था वो, और पीछे एक विलेज भी था जिसमें मुझे तो लगता नहीं कि कोई विलेजर जिंदा बचा होगा, पर मेरे को वहां पर काउस दिख रही थी जो कि काफी अच्छी बात थी। रात के टाइम पर अगले कुछ दिन तक मैं अपने बेस के आसपास के ज़ॉम्बीज की वेव्स को क्लियर कर रहा था। यहाँ पर ज़ॉम्बीज जो है वो लगातार आए जा रहे थे और काफी पावरफुल ज़ॉम्बीज थे, अलग अलग वेरिएंट्स थे उनके, कुछ फास्ट ज़ॉम्बीज थे, कुछ टैंक ज़ॉम्बीज थे और कुछ एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल ज़ॉम्बीज थे, लगातार आने में लगे हुए थे। ये देख सकते हैं गाइस ये फास्ट ज़ॉम्बी है और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है अगर हम बाहर होते अभी तो हमें चेज करता और हमें मार देता या फिर इन्फेक्ट कर देता और हमारी तुरंत मौत हो जाती। फाइनली दिन निकलने पर मैंने अपना बैकपैक उठाया जिसके अंदर काफी सारी लूट थी, वाटर से लेकर यहाँ पर नई गन भी थी हमारे पास इस बैकपैक के अंदर, और मैं अपना प्लेन लेकर गाइज निकल पड़ा आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने और देखने कि आसपास कोई सर्वाइवर्स हैं या नहीं, और वो वाला शहर ढूंढने जिसके अंदर हमें सर्वाइवर्स की तलाश है, जहाँ पर हमें खबर मिली है कि वहाँ पर सर्वाइवर्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने बड़ी केयरफुली अपने मिलिट्री बेस के पीछे जो मुझे हॉस्पिटल टाइप बिल्डिंग दिखी थी और विलेज दिखा था वहाँ पर मैंने अपना प्लेन लैंड करा और मैंने देखा कि यहाँ पर कोई विलेजर जिंदा बचा है या नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे विलेजर्स जो हैं ज़ॉम्बीज बन चुके थे। यहाँ पर बस फास्ट ज़ॉम्बीज और ज़ॉम्बी हॉर्सेस नजर आ रहे थे और उनके ऊपर बैठे हुए ज़ॉम्बीज नजर आ रहे थे। आप लोग देख सकते हैं पूरा विलेज खाली हो चुका है, यहाँ पर कोई सर्वाइवर नहीं है। इसके बाद मैं निकल गया अपने प्लेन से उस शहर की तरफ जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी। गाइज ये वही सिटी है जहाँ से इस वायरस के फैलने की शुरुआत हुई थी। आप लोग देख सकते हैं शहर के अंदर छतों पर भी ज़ॉम्बीज हैं, तो अगर हम इसके नीचे गए तो गाइज क्या होगा, कितने सारे ज़ॉम्बीज होंगे। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये सारी की सारी बिल्डिंग्स गाइज ज़ॉम्बीज से भरी पड़ी हैं। मैंने बड़े केयरफुली यहाँ पर सबसे टॉप वाली बिल्डिंग के ऊपर अपना प्लेन लैंड करा और उसके बाद मैं सिटी को एक्सप्लोर करने निकल गया। जब मैं शहर के एंट्रेंस पर पहुंचा और यहाँ पर बड़ी सी सीढ़ियों से जब मैं नीचे उतर ही रहा था, यहाँ पर गए ज़ॉम्बीज की पूरी फौज नज़र आ गई मुझे सामने, और एक के बाद एक बिल्डिंग्स के अंदर भी ज़ॉम्बीज की बहुत खतरनाक आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने फटाफट से ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर दिया। और गाइज़ ये टैंक ज़ॉम्बी था, टैंक ज़ॉम्बी मतलब इसके हार्ट्स गाइज ऑलमोस्ट 100 होते हैं और इसे मारना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। आप लोग देख सकते हैं इसकी हेल्थ जा रही है, इतने सारे शॉट्स खाने के बाद एक ज़ॉम्बी मर रहा है। तो गाइज अगर इतने सारे टैंक ज़ॉम्बीज ने सोचो अगर एक साथ हम पर हमला कर दिया तो हमारा क्या होगा, बचने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर मैंने इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को किसी तरह निपटाया और उसके बाद अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करी। हमें किसी भी तरह से उन सर्वाइवर्स को ढूंढना था, इसी शहर के अंदर कहीं ना कहीं पर वो सर्वाइवर्स अपनी जान बचाकर हमारा इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कोई उन्हें आकर बचाएगा। और गाइज यहाँ पर जब मैंने आगे आया तो यहाँ पर मुझे एक स्पॉनर भी दिखा जिसे मैंने अपनी शॉटगन से तोड़ने की कोशिश करी बट वो टूट नहीं रहा था। अनफॉर्चुनेटली सिटी को काफी टाइम एक्सप्लोर करने के बाद हमें कोई सर्वाइवर नहीं मिला, बट जब मैं वापस आया तो मेरे ऊपर एक ज़ॉम्बी हॉर्स ने हमला कर दिया था, उसके ऊपर ज़ॉम्बी बैठा हुआ था। मैंने दोनों को ही फटाफट से निपटा दिया। और गाइज इसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक काफी सारे ज़ॉम्बीज आते जा रहे थे और एक बहुत ही अजीब सा ज़ॉम्बी आया, फैट ज़ॉम्बी था ये, और गाइज इसकी हेल्थ ऑलमोस्ट 100 हार्ट्स थी। और यहाँ पर गाइज एक ज़ॉम्बी ब्रूट भी आ चुका था, मुझे काफी डर लग रहा था कि कहीं इन्होंने ये आयरन फेंस तोड़ दी तो क्या होगा, क्योंकि अगर ये फैट ज़ॉम्बी अंदर आ जाता तो इसको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, बट मैंने किसी तरह इन दोनों के दोनों ज़ॉम्बीज को निपटा दिया। फाइनली एक इंटेंस बैटल के बाद मैं सो गया और जब गाइज मैं अगले दिन सुबह उठा ना तो बहुत शॉकिंग साइट देखी मैंने। अगले दिन सुबह उठकर जब मैंने देखा अपने बेस के चारों तरफ यहाँ पर पूरी ज़ॉम्बीज की फौज मेरा वेट कर रही थी। इनको ऐसा लग रहा था कि हमारे वर्ल्ड के अंदर कोई और सर्वाइवर आ चुका है और अब हमारा मेन गोल है इसे ख़त्म करना। बेसिकली यहाँ मैं और लोगों को ढूंढने आया था और अब मुझे अपनी जान की परवाह हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूंगा। ऑल्दो हमारे पास प्लेन था बट फिर भी मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी कि मैं यहाँ से बाहर निकल भी पाऊंगा या नहीं। और जब मैं आगे आया तो सामने की तरफ मुझे एक और जायंट ज़ॉम्बी दिखा, पता नहीं किस टाइप का ज़ॉम्बी था ये मुझे, बट इसको देखकर काफ़ी डर लग रहा था। क्लिकर ज़ॉम्बीज का नाम था, आई थिंक 75 हार्ट थे इसके। और गाइज जब मैंने इसको मारा ना तो एक बहुत ही वियर्ड चीज़ हुई, ये फैंस पूरा कूद के हमारे बेस के अंदर आ चुका था। गाइज इस ज़ॉम्बी के लिए फैंस कोई मैटर ही नहीं करती, मतलब कि हम लोग अपने बेस के अंदर भी सेफ नहीं है, फैंस कूद कर भी ज़ॉम्बीज हम पर हमला कर सकते हैं। तो गाइज आप लोग सोच सकते हैं कितना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना। और यहाँ पर पूरी की पूरी फौज स्पॉन होती जा रही थी यार ज़ॉम्बीज की, मतलब हो क्या रहा था मुझे खुद समझ ही नहीं आ रहा था। और यहाँ पर फाइनली अचानक से एक अजीब सा क्रीचर आया, पता नहीं स्पाइडर थी, इन्फेक्टेड स्पाइडर थी, ये क्या था मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो उस लंबे वाले क्लिकर ज़ॉम्बी को देखने के बाद गाइज इस बात की तो मिस्ट्री खुल चुकी थी कि उन दो सोल्जर्स की डेथ कैसे हुई। जहां तक मुझे लगता है कोई ना कोई क्लिकर ज़ॉम्बी फेंस कूद कर आ गया होगा और जब वो लोग सो रहे होंगे उन पर हमला कर दिया होगा और उन दोनों को मार दिया होगा। तो मेरी थ्योरी तो यही कहती है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना कि आप लोग को क्या लगता है उनकी डेथ कैसे हुई है। लिटरली काफी दिन अपने बेस पर स्पेंड करने के बाद ज़ॉम्बी से फाइट कर करके मैं थक चुका था, मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं अगली चेस्ट को खोल के देखता हूँ। तो गाइज इसके अंदर मुझे
आरबीआई का क्योर मिल चुका था। गाइज आप लोग सोच सकते हैं कितने कमाल की बात है, बाई चांस अगर हम इन्फेक्टेड हो गए तो इस क्योर से हम बच सकते हैं। जब मैंने अगली चेस्ट खोली तो इसके अंदर मुझे गाइज इतना सारा खाना मिल चुका था, इसके अंदर वोडका भी पड़ी हुई थी। अब फाइनली हमारे पास इतना सारा खाना आ चुका था जो शायद मुझे जहां तक लगता है पूरे 100 डेज हमारा सपोर्ट करेगा हम लोग को। और जब मैंने अगली वाली चेस्ट हमारी खोली तो गाइज इसके अंदर मुझे ग्रेनेड लॉन्चर और इतने सारे ग्रेनेड्स मिल चुके थे। ये देखकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी क्योंकि गाइज ग्रेनेड लॉन्चर मेरा फेवरेट वेपन है। जितना मजा मुझे ग्रेनेड लॉन्चर चलाने में आता है इतना मजा मुझे किसी और वेपन को चलाने में बिल्कुल नहीं आता है। इसके बाद मैंने अचानक से पीछे वाले विलेज की बिल्डिंग का जब ग्लास तोड़ा गाइज तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। यहाँ से गाइज एक विलेजर निकलकर भागा और उसके घर में एक जॉम्बी भी था जिसे मैंने फटाफट से मार दिया। और यहाँ पर बहुत वियर्ड सा एरिया बना हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जॉम्बीज ने पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया, सारे घर तोड़ दिए। इसके बाद मेरे को मेडिसिन बॉक्स दिखा जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, खाली पड़ा हुआ तो, और कुछ और जॉम्बीज वगैरह दिखे। बट गाइज हाईलाइट वाली बात ये थी कि ये जो विलेजर था ये बिल्कुल ठीक था, आई मीन ये इन्फेक्टेड नहीं था। और इसे शायद मैंने रिलीज करके बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि अब इसे भी ज़ॉम्बीज मार देंगे और मैं इसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर ना ही गोलम है और ना ही विलेजर के गार्ड्स हैं। इसके बाद मैं लेबोरेटरी जैसी दिखने वाली बिल्डिंग के अंदर आया इस उम्मीद में कि मेरे को कुछ अच्छी लूट वगैरह मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ नहीं था, बहुत ही घटिया लूट थी। यहाँ पर सिर्फ कैंड फ्रूट वगैरह था और कुछ नहीं था। जब मैं ऊपर वाले फ्लोर में गया तो यहाँ पर गाइज काफ़ी डिसेंट लूट थी, बहुत सारी यहाँ पर यू नो लाइब्रेरियन की बुक शेल्फ थी, तो जिसकी वजह से हम लोग लेवल 30 का फ्यूचर में एन्चांटमेंट सेटअप बना सकते हैं। बट अभी मेरे पास टूल्स नहीं है इसे गैदर करने की, तो इसे हम डेफिनेटली बाद में आकर कलेक्ट जरूर करेंगे। और यहाँ पर जब मैंने चेस्ट देखी तो उसके अंदर भी बहुत घटिया लूट थी। और जब मैंने बिल्डिंग का कांच तोड़कर बाहर की तरफ छलांग लगाई ना तो एक बहुत ही वियर्ड चीज़ हुई, चारों तरफ अंधेरा हो गया और यहाँ पर लिखा आया कि यू ब्रोक योर लेग, मतलब मेरी टांग टूट चुकी थी। गाइज इस वर्ल्ड के अंदर पता नहीं और क्या क्या चीज़ें होने वाली थी और मेरे चारों तरफ से बुलबुले निकल रहे थे। मैंने फटाफट से अपनी फर्स्ट एड किट अप्लाई करी तो किसी तरह गाइज मेरी टांग ठीक हुई। मैं तेज नहीं भाग पा रहा था जब तक मेरी टांग टूटी हुई थी। ये बहुत ही नई और वियर्ड चीज़ थी, आई एम प्रीटी श्योर आपने माइनक्राफ्ट में अब तक इससे वियर्ड चीज़ें नहीं देखी होंगी। और गाइज बेस पर वापस आ जाने के बाद मुझे दिखा अपने वर्ल्ड का सबसे पावरफुल जॉम्बी। गाइज ये रैट किंग था, इस वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा खतरनाक जॉम्बी। इसके पास 180 हार्ट से भी ज़्यादा हार्ट्स होते हैं और इसे मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा लगता है कि ये दो जॉम्बीज आपस में मिलकर म्यूटेट हो चुके हैं। गाइज अब तक का सबसे खतरनाक म्यूटेशन जो है वो यही है। अब ब्रिटिश और इससे खतरनाक म्यूटेशन आपने अभी तक इस वर्ल्ड के अंदर नहीं देखा होगा क्योंकि मैंने तो नहीं देखा है। और इसे मैं मारे जा रहा था बट ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इलेक्ट्रिक फेंस भी इसे इतना डैमेज दे रही थी बट इसे मारना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। बट फाइनली गाइज जब मैंने हार्ट मीटर देखा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि इसका हार्ट मीटर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था और फाइनली मैंने रैट किंग को डिफीट कर दिया था। गाइज अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बाई चांस ये फेंस ना होती तो मेरा क्या हुआ होता यार, शायद हम लोग का अब तक काम खत्म हो चुका था। और गाइज मुझे इसके बाद एक इन्फेक्टेड ह्यूमन भी दिखा जो आई थिंक रिसेंटली इन्फेक्ट हुआ था और अभी ये थोड़ा ह्यूमन फॉर्म में था, पूरा जॉम्बी जैसा बिहेव नहीं कर रहा था, बट मैंने इसे फटाफट से मार दिया। इसके बाद मैं पास के शहर में गया वुड कलेक्ट करने के लिए क्योंकि मेरे पास वुड बिल्कुल नहीं थी। हमने इतने दिन ऑलरेडी सर्वाइव कर लिए थे बट अभी तक हमारे पास वुड का अच्छा सोर्स नहीं था। तो वहाँ से मैंने ट्री के अंदर से थोड़ी सी वुड वगैरह कलेक्ट की और जब मैंने साइड में देखा तो गाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर शीप वगैरह नजर आ रही थी। और जब मैं नीचे कूदा तो गाइज एक बार फिर से मैंने अपनी टांग तोड़ ली थी। मैंने फटाफट से अपनी फर्स्ट एड किट अप्लाई करी और मेरी टांग ठीक हो गई। और गाइज यहाँ पर शीप्स को देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट गाइज दिक्कत तब हुई जब मैं वर्ल्ड के अंदर आगे एक्सप्लोर करने गया। मैं सिटी के एकदम बीचों बीच था और मेरे को चारों तरफ से जॉम्बीज ने घेर लिया था। गाइज यहाँ पर अलग अलग टाइप के खतरनाक जॉम्बीज थे, वो फटने वाला जॉम्बी भी था जो पास में आकर अगर फटा ना तो हम लोग गाइज लिटरली मर जाएंगे, हमें मरने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर टैंक जॉम्बीज भी आते जा रहे थे, इन्हें मारना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। इतने सारे राउंड्स मैंने बर्बाद कर दिए थे इन्हें मारने में और गाइज जॉम्बीज स्पॉन होने में ही लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर जॉम्बीज से भरा पड़ा है। और अब तक की सबसे वियर्ड चीज़ अब हुई गाइज, जब मैं अपने बेस पर सोने के लिए आया तो यहाँ लिखा है यू कैनॉट स्लीप ड्यूरिंग ब्लड मून्स। गाइज ब्लड मून शुरू हो चुका था, मतलब अपने वर्ल्ड का सबसे खतरनाक फेस अब शुरू हो चुका था। ब्लड मून मुझे पक्का पता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये एक ऐसा मून होता है जिसमें जॉम्बीज की और हॉस्टाइल मॉब्स की पावर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं और उनका अमाउंट जो है गाइज यानी स्पॉन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे लगातार एक के बाद एक यहाँ पर जॉम्बीज आते ही जा रहे हैं और अलग अलग टाइप के जॉम्बीज आ रहे हैं गाइज, टैंक जॉम्बीज, क्लिकर जॉम्बीज और ब्लास्ट होने वाले जॉम्बीज। ये रहा गाइज ब्लास्ट होने वाला जॉम्बी, अगर ये फटा तो समझ लो हमारा काम खत्म। और इतने ज़्यादा टैंक जॉम्बीज तो बहुत ज़्यादा हैं गाइज,
इन्हें मारना, मतलब मैं, मुझे खुद लग नहीं रहा है कि मैं ये वाला जो ब्लड मून है सर्वाइव कर पाऊंगा, पता नहीं कैसे सर्वाइव करूंगा मैं। और जब गाइज मैंने टर्न करके दूसरी तरफ देखा ना गाइज, तो मेरी तो हालत ही खराब हो गई। यहाँ पर इतने बड़े बड़े ज़ॉम्बीज़ और ये शायद से क्लिकर ज़ॉम्बी है फिर से। बस मैं प्रे कर रहा हूँ कि किसी तरह मैं इन्हें मार दूँ और ये ब्लड मून में सर्वाइव कर लूँ। अगर क्लिकर ज़ॉम्बी दोबारा से फेंस कूद के आया तो मुझे नहीं लगता कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। यहाँ पर पूरी फौज इकट्ठा हो चुकी है ज़ॉम्बीज़ की, और गाइज आप लोग देख सकते हैं एक के बाद एक ज़ॉम्बीज़ आने में लगे हैं, और वो फटने वाला ज़ॉम्बी एक बार फिर से आ चुका है। मतलब समझ नहीं आ रहा था मुझे, जब ब्लड मून आया तो मैं करूँ क्या, ब्लड मून ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और पूरी रात हम लोग सो भी नहीं सकते थे, पता नहीं क्या होने वाला था इस रात में। और जैसे ही मुझे लगा कि मैंने सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है, मेरे बेस के अंदर ज़ॉम्बीज़ स्पॉन हो गए गाइज़, मेरे बिल्कुल पीछे थे। अगर मैं पीछे नहीं मुड़ता तो अभी शायद मेरा खेल ख़त्म हो जाता। और सोचो अगर ये फटने वाला ज़ॉम्बी होता तो क्या होता। और मुझे और बड़ा सा ज़ॉम्बी सामने स्पॉन हुआ दिख गया था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि सो नहीं पा रहे थे हम। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था इस टाइम पर, तो मैंने फटाफट से पानी पी लिया। जब किसी तरह अपने आप को शांत करने के बाद मैंने सामने देखा तो यहाँ पर एक और रैट किंग था, और एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी भी मेरे बेस के अंदर आ चुका था। बट मैं उससे लड़ने नहीं जाने वाला था क्योंकि उसका डैमेज बहुत ज़्यादा था, शायद वो मुझे फटाफट से मार देता इससे पहले कि मैं उसे मार पाता। बट गाइस किसी तरह मैंने पूरी रात फाइट करी और किसी तरह मैंने ब्लड मून को सर्वाइव कर लिया था। फाइनली गाइज ब्लड मून खत्म हो चुका है, और आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे नई सुबह हो चुकी है, और मैं लिटरली काउंटिंग भूल चुका हूँ मैंने कितने ज़ॉम्बी मार दिए। और आप लोग अभी भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूरी फौज है ज़ॉम्बीज़ की, अलग अलग टाइप के ज़ॉम्बीज़, और ये क्लिकर अभी भी है यहाँ पर। क्लिकर ये ज़ॉम्बी का नाम, मैं बार बार भूल जाता हूँ। और गाइज अगर हमारे पास अभी ये इलेक्ट्रीफाइड फेंसेस नहीं होती तो आई एम प्रिटी श्योर मैं अब तक मर चुका होता। और जैसे ही मैं नीचे गया मेरे ऊपर एक और ज़ॉम्बी ने हमला कर ही दिया था। और गाइज यहाँ पर ज़ॉम्बीज जो है लैडर भी चढ़ सकते हैं। यस गाइज इस वर्ल्ड के ज़ॉम्बीज बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, लैडर भी चढ़ सकते हैं। बस इस फेंस की वजह से हम लोग बचे हुए हैं। और जब मैं बाहर आया तो एक अजीब सी स्पाइडर भी आ गई थी, ये वायरस वाली म्यूटेटेड स्पाइडर है। और यहाँ पर फिर से ज़ॉम्बीज की फौज आनी शुरू हो गई थी, क्लिकर और मेरे को अलग अलग टाइप के ज़ॉम्बीज नजर आने शुरू हो गए थे गाइज। तो मैंने फटाफट से इन ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर दिया। अब गाइज किसी भी तरह से इन ज़ॉम्बीज को पहले निपटाना था, उसके बाद हम लोग अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करने वाले थे। ज़ॉम्बीज से निपटने के बाद जब गाइज मैंने आखिरी वाली चेस्ट खोली ना, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। मतलब मैं वुड कलेक्ट करने गया था जबकि यहाँ पर इतना सारा आयरन और वुड ऑलरेडी पड़ी हुई थी इस चेस्ट के अंदर। काश ही मैंने पहला खोल लिया होता तो अब तक गाइज हम लोगों ने माइनिंग शुरू भी कर दी होती और हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज और पॉसिबली डायमंड्स भी आ चुके होते। गाइज लिटरली बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ थी, काश मैंने पहले खोल ली होती। इसके बाद गाइज मैंने बहुत सारी आयरन की पिकैक्सेस बनाई और मैं सीधा चला गया गाइज बाय 11 पर, और मैंने वहां पर जाकर माइनिंग शुरू कर दी। Y11 पर मैंने काफी टाइम स्पेंड किया। एक्चुअली इस बार मैं Y12 पर आया था क्योंकि मैंने सुना था कि Y12 पर ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं डायमंड्स वगैरह मिलने के। और गाइज मैंने काफी दिन स्पेंड किए यहाँ पर, मुझे लिटरली काउंट भूल गया मैं। मेरे ख्याल से 20 से भी ऊपर डेज मैंने यहाँ पर माइनिंग के अंदर स्पेंड करे होंगे, और इसमें मैं बीच बीच में ऊपर भी जाता रहा देखने के लिए, सो दैट मेरे बेस पर कहीं अटैक तो नहीं हो रहा है। और मेरे को गाइज डायमंड्स भी मिल गए थे, अपने वर्ल्ड के सबसे पहले डायमंड्स मिल गए थे मेरे को माइनिंग सेशन के दौरान, और लगभग एक साथ 8 डायमंड्स की मेरे को वाइन मिली थी। फिर भी मैंने अपनी माइनिंग जर्नी जो है कंटिन्यू रखी, और मैंने काफी टाइम तक माइनिंग जारी रखी इस उम्मीद में कि मेरे को काफी सारे डायमंड्स मिल जाए और मुझे नया वाला टाइटन ओर और डार्क ओर मिल जाए, क्योंकि गाइज वो काफी बढ़िया ओर है, उससे हम लोग काफी अच्छी चीजें बना सकते हैं इस नए वाले वर्ल्ड के अंदर। और गाइज कुछ टाइम बाद वो हुआ जिसने मुझे बिल्कुल शॉक कर दिया। गाइज मुझे टाइटन ओर मिल चुका था। गाइज ये ओर इस वर्ल्ड के अंदर डायमंड से भी ज़्यादा रेयर है और डायमंड से भी ज़्यादा यूजफुल है। इसका बहुत सारी अलग अलग टाइप की टूल्स और मशीन्स के अंदर यूज़ होता है और काफ़ी पावरफुल ओर है ये। और गाइज मैं टाइटन ओर माइन कर आगे बढ़ा ही था कि मेरे को कुछ और डायमंड्स यहाँ पर नजर आ गए थे। मैंने फटाफट से इन सारे के सारे डायमंड्स को कलेक्ट किया, और गाइज इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़, जैसे ही मैंने माइन कर आगे बढ़ा तो गाइज मुझे डार्क मेटल ओर मिल गया था। अब गाइज ये इस वर्ल्ड का बहुत ही ज़्यादा रेयर ओर था और मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा था, क्योंकि ये माइनिंग ट्रिप फाइनली सक्सेसफुल होती नजर आ रही थी। फाइनली गाइज एक लंबी माइनिंग ट्रिप के बाद मैं सरफेस पर वापस आ चुका था, और यहाँ पर मैंने अपना टाइटन ओर जो है स्मेल्ट कर लिया था, और उसी के साथ साथ मुझे जितना डार्क मेटल मिला था वो भी स्मेल्ट कर लिया था। इसके बाद गाइज जब मैं नीचे की तरफ गया ना, तो गाइज कुछ ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल शॉक हो गया। गाइज सामने की तरफ, मेरे ठीक सामने एक ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुका था। मैंने उसे फटाफट मारने की कोशिश करी इस उम्मीद में कि बस ये मेरे पर हमला ना करे, क्योंकि गाइज सिर्फ एक हिट और हम लोग का काम खत्म हो जाने वाला था। यस गाइज इस वर्ल्ड के ज़ॉम्बीज इतने पावरफुल हैं कि एक हिट के अंदर हमारा काम तमाम कर सकते हैं। और गाइज उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये ज़ॉम्बी जो है ये हमारे बेस के अंदर स्पॉन हुआ था। और गाइज यहाँ पर आप लोगों ने देखा भी कैसे म्यूटेंट स्पाइडर एकदम से अंदर की तरफ स्पॉन हो गई। तो गाइज यही बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है इस वर्ल्ड के अंदर, मतलब बिल्कुल भी सेफ नहीं है हमारा बंकर। तो गाइज अब तक तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि ये जो दो डेड बॉडीज पड़ी हैं इन लोग के मरने का कारण क्या बना है। यस गाइज मुझे अब तो पूरा भरोसा हो गया कि कोई ना कोई खतरनाक ज़ॉम्बी, जैसे कि ब्लास्ट होने वाला ज़ॉम्बी, पक्का यहाँ पर स्पॉन हुआ होगा और उसने इन दोनों को टपका दिया। इसके बाद गाइज मैंने काफ़ी सारी दो डायमंड की
की पिकैक्स बना ली सो दैट हम लोग को फ्यूचर में माइनिंग में काफी हेल्प मिल सके। अब काफी टाइम तक हम लोग को पिकैक्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। इसी के साथ गाइज अब टाइम था एक लंबे एडवेंचर पर जाने का। हम लोग विलेजेस की तलाश में जाने वाले थे। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि विलेजर जिंदा है भी या नहीं है, बट फिर भी हम लोग जाने वाले थे क्योंकि अगर कोई विलेजर जिंदा होगा तो वो बहुत अच्छा साइन होगा कि ये वर्ल्ड अभी भी बचाया जा सकता है। इसीलिए गाइज मैंने अपने प्लेन को रिफ्यूल करना शुरू कर दिया। हमारे पास फ्यूल पंप था तो मैंने सारा का सारा फ्यूल जो उसके अंदर रिफ्यूल कर दिया और अब हम लोग एक बहुत ही लंबे एडवेंचर पर निकलने वाले थे। रिफ्यूल करने के बाद मैं फटाफट से प्लेन को लेकर निकल गया। तो गाइस 75,000 पॉइंट में से आप लोग ऊपर कोने में देख पा रहे होंगे 55,000 प्लस हमारे पास फ्यूल है, मतलब हम लोग काफ़ी लंबे एडवेंचर पर जा सकते हैं बिना फ्यूल की टेंशन के। और ऊपर से मेरे पास बैकपैक के अंदर और भी फ्यूल पड़ा हुआ है तो कहीं भी फ्यूल खत्म हुआ तो हम रिफ्यूल कर सकते हैं। और गाइस एक जगह मैंने बीच में स्टॉप लेकर जब चारों तरफ देखा तो हर तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज नज़र आ रहे थे। थोड़ी सी लाइफ थी यहाँ पर, एनिमल्स वगैरह थे, बट फिर भी जगह जगह ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज नज़र आ रहे थे। तो गाइस ये थोड़ा सा बैड साइन भी था, मुझे अभी तक कोई विलेज नज़र नहीं आया था। अपनी जर्नी के दौरान मैंने काफ़ी सारे लंबे लंबे फॉरेस्ट वगैरह क्रॉस किए, काफी सारे अलग अलग बायोम्स क्रॉस किए और गाइज एक बिल्कुल नया बायोम भी हमने क्रॉस किया जिसके अंदर जाने से हमें नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ने वाले थे। ये शायद मैंने ऑनलाइन पढ़ा था तो इसलिए मैंने उस बायोम को डिच कर दिया। उसके ऊपर से हम लोग निकल गए बट साइड से होके निकला मैं थोड़ा सो दैट हमें नेगेटिव इफेक्ट्स वगैरह ना पड़े। तो गाइज इसके बाद मैं चलता जा रहा था इनडेफिनेटली और गाइज फाइनली काफ़ी सारी सिटीज़ भी क्रॉस की मैंने, आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत सारी सिटीज़ क्रॉस की। उसके बाद फाइनली जाकर गाइज एक बहुत बढ़िया बात हुई, गाइज फाइनली हम लोग को एक विलेज मिल चुका था। आप लोग सामने देख पा रहे होंगे मेरा प्लेन जो है पार्कड है, मैंने वहाँ पर पार्क कर दिया है और गाइज यहाँ पर विलेज के गार्ड्स भी हैं। गाइज कितनी बढ़िया बात है ये, मतलब पूरा ऐसा विलेज है जो पूरा कंप्लीट है। यहाँ पर विलेजर्स हैं, गार्ड्स हैं और आई थिंक आयरन गोलम भी होगा, सामने मुझे वेंडिंग मशीन में नजर आ रही है। यहाँ पर काफ़ी सारी हेबेल भी पड़ी थी गाइज, वो रहा आयरन गोलम, इसे हम डेफिनेटली यूज़ करने वाले हैं वेंडिंग मशीन को। यहाँ पर कैट्स भी थी, मतलब इस वर्ल्ड के अंदर एसिड पूरे डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड के अंदर अब तक मुझे पहली बार एनिमल्स दिखे थे, कैट और स्पेशली चिकन जैसे एनिमल्स। गाइज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी, मुझे लग रहा था कि अब तो इस वर्ल्ड को सेव करना ही पड़ेगा और गाइज हम डेफिनेटली इस वर्ल्ड को सेव करने वाले हैं। वो फाइनली रैट किंग जो है जिससे सब कुछ शुरुआत हुई है, जो मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया था, हम लोग उसे बीट करने वाले हैं बस कुछ ही देर में जाकर। और गाइज यहाँ पर जो है ये गार्ड जो है लगातार ज़ॉम्बीज के साथ में फाइट कर रहे थे। मैंने पीछे की तरफ आकर देखा, ये लोग अपने विलेज को पूरी तरह प्रोटेक्ट करने में हाईली डेडिकेटेड थे एकदम। इसके बाद मैंने कुछ टाइम जब विलेजर्स के गार्ड को लड़ते देखा मैंने ज़ॉम्बीज से, तो उनकी हेल्प करी मैंने, बड़ा केयरफुली ज़ॉम्बीज को मारना शुरू किया क्योंकि अगर गलती से मैंने इनके गार्ड्स को हिट कर दिया ना तो ये मेरी वाट लगा देंगे, मतलब इन्हें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा मुझे ख़त्म करने में। तो बहुत ज़्यादा फनी चीज़ हो जाएगी कि मैं ज़ॉम्बीज वाले वर्ल्ड के अंदर आके विलेजर्स के गार्ड्स के द्वारा मारा गया। तो गाइस इसके बाद मैंने फटाफट से जाकर जब वेंडिंग मशीन यूज़ करी तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा घटिया ट्रेड थी, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे कुछ बढ़िया ट्रेड मिलेगी बट बहुत बेकार ट्रेड थी। इसके बाद मैंने फटाफट से कुछ और ज़ॉम्बीज को मारा। फाइनली गाइज एक काफ़ी लंबी चली जर्नी के बाद मैं ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आ चुका था, ओवरवर्ल्ड में ही था, मतलब अपने बेस पर वापस आ चुका था और हमारा प्लेन भी वहाँ पर मैंने पार्क कर दिया था। और गाइज इसी के साथ अब टाइम था अपना लेवल 30 का एन्चांटमेंट सेटअप बनाने का। ये एक ज़ॉम्बी था, उसे मारने की मेरी नाकाम कोशिश, तो मैंने फटाफट से यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल पर गया और मैंने अपनी एन्चांटमेंट टेबल बनाने के लिए रेसिपी लगा दी। मुझे रेसिपी सिर्फ एन्चांटमेंट टेबल की याद रहती है गाइज, इसके अलावा और किसी चीज़ की याद रहती ही नहीं है। फटाफट से एन्चांटमेंट टेबल बनाई और उसके बाद अपना लेवल 30 का एन्चांटमेंट सेटअप बनाना शुरू कर दिया। गाइज लेवल 30 का एन्चांटमेंट सेटअप बनाने के बाद मैंने जब अपने टूल्स को एन्चांट करना शुरू करा तो मुझे गाइज काफी अच्छे एन्चांटमेंट्स मिलने शुरू हो गए थे। मुझे पंक्चरिंग 3 अपनी शॉटगन पर मिल गया था, आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे लगा दिया था। अब गाइज हमारी गन्स के ऊपर भी एन्चांटमेंट्स लग सकते थे, यस गाइज यही कमाल की बात है। और मुझे अपनी पिकैक्स के ऊपर एफिशिएंसी 4, सिल्क टच और अनब्रेकिंग 3 जैसे कमाल के एन्चांटमेंट्स मिल गए थे। और गाइज मैंने मशेटी को चेक करा तो उसके ऊपर एन्चांटमेंट्स नहीं लगाए जा सकते थे। अब गाइज इसी के साथ मुझे एक और आइडिया आया, मैंने अपने बैकपैक से वो नई वाली गन निकाली जो हमें गेम के स्टार्टिंग में मिली थी हमारे सबसे पहले दिनों में, और उस पर जब एन्चांटमेंट लगाया तो गाइज मुझे पावर 4 मिल गया था। मतलब कितना बढ़िया बात है गाइज, हम अब तक पावर 4 सिर्फ बोज के ऊपर लगाते थे और अब हम लोग वो गन के ऊपर भी लगा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने इसकी बुलेट्स ट्राई करी तो ये बुलेट्स जो है इस गन की थी नहीं, मैंने बहुत रीलोड करने का ट्राई करा, यार कितनी अजीब बात है, मतलब गेम के अंदर सेम केस के अंदर हमें बुलेट्स मिल रही हैं और गन मिल रही हैं बट वो बुलेट्स उस गन की है ही नहीं, ये बहुत वियर्ड बात थी। बट इसके बाद गाइस जब मैं नीचे गया मैंने दूसरी वाली लॉक चेस्ट खोली और उसके अंदर से इसकी बुलेट्स ली और फिर इस गन को थोड़ी देर ट्राई करा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गन उतनी अच्छी नहीं थी जितना मुझे लग रहा था, बहुत बेकार थी ये गन। मतलब डैमेज तो अच्छा था बट इसको एम करना काफ़ी मुश्किल था बिना किसी अटैचमेंट्स के। मैंने इस गन की फिर से एक्यूरेसी चेक करने के लिए कुछ टैंक ज़ॉम्बीज़ पर भी हमला करा बट गाइज ये गन उतनी अच्छी थी नहीं, डैमेज तो ठीक ठाक दे रही थी, किल भी कर रही थी बट फिर भी मेरे को इस गन को चलाने में मज़ा नहीं आ रहा था। ऑब्वियसली यार हमारे पास इतनी फास्ट चलने वाली शॉटगन है तो हम इस गन को क्यों चलाएंगे।
अब इसके बाद गाइज आता है सबसे फन पार्ट, जिसका हम प्रीटी श्योर आप लोग इतने टाइम से वेट कर रहे होंगे। मैंने फटाफट से अपना ग्रेनेड लॉन्चर वाली क्रेट खोली और सारे के सारे ग्रेनेड्स ले लिए और ग्रेनेड लॉन्चर को भी अपने हॉट बार में लगा लिया। अब गाइज हम इस ग्रेनेड लॉन्चर को जाकर करने वाले थे एनचांट और उसके बाद मैं करने वाला था इसकी टेस्ट फायरिंग। यस गाइज हम लोग फाइनली ग्रेनेड्स लॉन्च करने वाले हैं। मैं जितना एक्साइटेड हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकता अभी। तो फटाफट से मैंने इसको एनचांट कर लिया, मुझे पंक्चरिंग 4 मिल गया, उसके साथ ओवर कैपेसिटी 3 भी मिल गया था। मतलब कि आई डोंट नो इस एनचांटमेंट का क्या काम था, बट जो भी काम था, बट मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं फटाफट से पहले तो मैंने ऊपर से ही ट्राई किया, मैं एम कर रहा था बट ग्रेनेड जो है पहले ही गिर जा रहा था। फिर मेरे को ध्यान आया कि इसका प्रोजेक्टाइल वाला सीन है, थोड़ा सा ऊपर मारना पड़ेगा तब ग्रेनेड अपनी ठीक लोकेशन पर जाकर लगेगा। और गाइज ट्रस्ट मी, जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ छोड़कर ग्रेनेड मारा ना, सारे के सारे जॉम्बीज एक ही शॉट में खत्म हो गए। आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे जॉम्बीज एक एक शॉट में खत्म हो रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर से रात हो चुकी थी और मैंने अपने ग्रेनेड लॉन्चर से रात के अंधेरे में तबाही मचानी शुरू कर दी। गाइज रात में ग्रेनेड लॉन्चर से जॉम्बीज को डिस्ट्रॉय करने में बहुत मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब जॉम्बीज को हमसे डरने की जरूरत है। मतलब टैंक जॉम्बीज भी ऐसे खत्म हो रहे थे इस ग्रेनेड लॉन्चर से कि मतलब मैं बता ही नहीं सकता। टैंक जॉम्बीज को भी बहुत तगड़ा डैमेज पड़ रहा था, बस हमारी फेंस की वजह से कभी कभी इसके ग्रेनेड ब्लॉक हो जा रहे थे, अदरवाइज बहुत कमाल का काम कर रहा था ये लॉन्चर। अगले दिन गाइज अपने बेस पर स्पॉन हुए जॉम्बीज को मारने के एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं अचानक से नीचे कूद गया और मैंने फिर से अपनी टांग तोड़ ली। अब गाइज मेरे पास मेडिकिट भी नहीं थी, मेरी टांग टूट चुकी थी और आप लोग देख सकते हैं ब्रोकन बोन का साइन आ रहा है साइड में। मुझे बड़े आराम से मेडिकिट के पास पहुंचना था, मेडिकिट लेकर अपने आप को हील करना था। आप लोग देख सकते हैं वो बबल टाइप निकल रहे हैं, मैं तेज भाग भी नहीं पा रहा हूं। जरा सोच के देखो अगर ये ओपन एरिया में हो जाए तो हमारा क्या हाल होगा। मैंने फटाफट से हीलिंग किट ली और अपने आप को हील कर लिया। अब गाइज फिर से हम लोग भाग सकते थे। इसी के साथ गाइज अब फाइनली टाइम था रैट किंग यानी कि इन सारे जॉम्बीज के बॉस को ख़त्म करने का और इस वायरस को हमेशा के लिए ख़त्म करने का। गाइज रैट किंग वही बॉस था जिस पर सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे गए थे और जिसकी वजह से इस वायरस की शुरुआत हुई थी। इस सिटी के अंदर ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर वो रहता है गाइज, और जैसे ही मैं बिल्डिंग के अंदर आया वो बड़ा सा रैट किंग मेरी आंखों के सामने था गाइज। अब ये नॉर्मल रैट किंग से भी बड़ा है गाइज, आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो। ये बेसिकली इन सारे जॉम्बीज का लीडर है, एक बार हमने किसी तरह इसे ख़त्म कर दिया ना तो समझ लो ये वायरस खुद ही स्प्रेड होना बंद हो जाएगा, सारे के सारे जॉम्बीज वापस से या तो हील हो जाएंगे या फिर मर जाएंगे। अब उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट इसे मारकर इस वायरस से बाकी के लोगों तो कम से कम बचा ही सकते हैं जो लोग अभी जिंदा है, हेल्दी हैं। तो गाइज मैंने फटाफट से अपना ग्रेनेड लॉन्चर निकाला और इस पर अटैक करना शुरू कर दिया। काफी डेडली लग रहा था गाइज ये, और मैं इससे दूर इसलिए भाग रहा था इतना क्योंकि गाइज बस एक हिट, यस गाइज सिर्फ एक हिट देगा ये हमें और हमारा काम खत्म हो जाएगा। इसके पास जो लेज है ना जिससे ये मारता है, बस एक ही हिट काफ़ी है, एक हिट में हमारा काम खत्म, रीस्पॉन लिखा हुआ आ जाएगा जो हम हो नहीं सकते हैं क्योंकि ये हार्डकोर वर्ल्ड है। तो इसलिए मैं बड़ी केयरफुली इस पर हमला कर रहा था। फाइनली गाइज लास्ट हिट और रैट किंग धराशायी हो चुका था, हमने रैट किंग को मार दिया है। बस बाहर जाकर देखना है कि जॉम्बी वायरस का इफेक्ट खत्म होना शुरू हुआ या फिर नहीं। सो गाइज रैट किंग को मारने के बाद मैं वापस आ चुका था अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर, बेसिकली ओवरवर्ल्ड में ही था। और गाइज यहाँ पर था मेरे पास आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज, जस्ट हैव अ लुक गाइज, विलेजर्स विलेज के अंदर वापस आ चुके हैं, या फिर मैं ये कहूँ जो विलेजर्स जॉम्बी विलेजर बन गए थे वो दोबारा से क्योर हो चुके हैं। मतलब वायरस खत्म हो चुका है गाइज,
हमने फाइनली वर्ल्ड को सेव कर लिया है ज़ॉम्बी वायरस से। और आप लोग अगर आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर विलेजर्स जो हैं आप लोग देख सकते हैं, सारे के सारे विलेजर्स क्योर हो चुके हैं, कोई ज़ॉम्बी का नामो निशान नहीं है। अब जितने ज़ॉम्बीज बचे होंगे या तो वो क्योर हो गए हैं या फिर ऐसी हालत में उन्हें बहुत आसानी से मारा जा सकता है। अब बस उनकी डेड बॉडीज ही बची हैं थोड़ी बहुत इधर उधर स्ट्रक्चर्स के ऊपर, बाकी ज़ॉम्बीज का कोई नामो निशान नहीं बचा है। ये आ रहा है सामने से प्यारा सा विलेजर। अब सब कुछ हेल्दी हो चुका है, वायरस पूरा खत्म हो चुका है गाइज, और मुझे इस टाइम अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, और मैंने ग्रेनेड लॉन्चर निकाला इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए। इसी के साथ गाइज हमारे वर्ल्ड के 100 डेज भी हो चुके थे कंप्लीट, और टाइम था वापस से अपने हेडक्वार्टर्स पर जाने का। बट गाइज जैसे ही मैं हेडक्वार्टर्स की तरफ निकला, यहाँ पर मुझे एक और ज़ॉम्बी दिख गया। ये शायद लास्ट बचे हुए ज़ॉम्बीज में से रह गया होगा, इसे मैंने फटाफट से मारकर खत्म कर दिया। और गाइज ये फैट वाला ज़ॉम्बी है, ये मैंने इसको मार दिया, और अब टाइम है यहाँ से वापस जाने का अपने हेडक्वार्टर्स पर और अपनी टीम को रिपोर्ट करने का। तो गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे सामने कुछ कुछ ज़ॉम्बी हॉर्सेस वगैरह बचे हैं, बट धीरे धीरे सारा का सारा वायरस खत्म हो जाएगा और क्योर हो जाएगा। तो गाइज मैं निकल पड़ा, हमारा प्लेन जो है थोड़ा सा डैमेज हो गया था वहां पर फेंस पर लगकर, बट कोई बात नहीं है, हमारा वर्ल्ड बच चुका है ज़ॉम्बी वायरस से। और आई होप आपको ये 100 डेज पसंद आए होंगे, काफ़ी मेहनत लगी है इसको बनाने में, काफ़ी बार मैं मरते मरते बचाऊँ, दो बार मेरा लगभग 3-4 घंटों का फुटेज लॉस भी हो गया मेरे मर जाने की वजह से। और गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।